पुरानी गल्ला मंडी में आज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने औचक निरीक्षण किया। वहीं इस बारे में कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने बताया कि मंडी में कई सारी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं। आपको बता दें कि पहले भी कई बार मंडी का मुद्दा उठाया जा चुका है कि पुरानी गल्ला मंडी में अनियमितताओं का शिकार हुई है, के बारे में कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं सोचता। मंडी में जितनी ज्यादा दुकानें लगती हैं उन सबसे पैसा तो वसूल मंडी समिति करती है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं देती। यहाँ पर महिला एवं पुरुषों के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं गाड़ियों को खड़ा करने के लिए कोई अलग से स्थान नहीं है, जिसके चलते अधिकतर समय यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहाँ के दुकानदार और रहवासी भी इस अवस्थाओं के चलते खासे परेशान हैं। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई करते हैं हमारे नवीन कलेक्टर, या हमेशा की तरह यहाँ पर भी लीप अपोते ही मात्र करके रख दी जाएगी। और भैया पाँच ले रहे हो, दस नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर सितंबर में मुझे पाँच लगे पे खंजर पानी नहीं है, लाइट नहीं है, नगर आपने निरीक्षण किया है इसका? मंडी के संबंध में थोड़ा शिकायतें मिल रही थी कि व्यवस्थित नहीं है, गंदगी है, तो क्योंकि ये जो जमीन है कृषि उपज मंडी की है, तो कृषि उपज मंडी के निर्देशित कर रहे हैं कि रूटीन रूप से सफाई करें, और जो पेवर्स वाला लगाने का जो काम है, ये प्लेटफॉर्म बनाने का काम है, वो फटाफट करें। मैं आती है पुरानी गल्ला मंडी ना, इसमें नगर पालिका सफाई करती, नगर पालिका कहती है मंडी करेगी, और मंडी कुछ करती नहीं है। सब्जी वालों से, ठेले वालों से पैसे लिए जाते हैं बैठक के बाजार बैठक के माध्यम से, 5 रुपये 10 रुपये के हिसाब से कृषि मंडी के कर्मचारी आते हैं, और कुछ प्राइवेट लग रहे हैं इस मंडी के अंदर, और सफाई नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। तो कलर साहब को यही बताया, कलर साहब ने बोला कि आप सबको लेके एक आवेदन लेके मेरे पास आइए, और मैं यही देखने आया था जहाँ पर, और वो नगर पालिका वाले कहते हैं कि ये कृषि मंडी में है, अगर जी हमको सौंप देंगे, वो तो प्रशासनिक काम है, बहुत बड़ा काम है, अगर वो कृषि मंडी अगर सौंपती है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जी वालों से पैसे लिए जा रहे हैं, फ्रूट वालों से, गाड़ी के अलग लिए जा रहे हैं पिकअप के ट्रक के, लेकिन कोई काम नहीं है यहाँ, और अपन यही चाहते हैं कि यहाँ से सब व्यवस्थित काम कर दें, और खूब 5 के 10 लें भले ही।